सो हे गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस फोटो को देख सकते होंगे, तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ एंड कैसे बैकग्राउंड को कलर एंड कैसे आप लोग का शर्ट का कलर या जो भी होगा उसका कलर कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करने बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद जिस फोटो को भी एडिट करना है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इस बगल में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से सबसे पहले ऊपर ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले इसका हम लोग सैचुरेशन को कम कर लेंगे और यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद एम्बियंस को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेना है और शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना होगा और व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और ब्रश पर क्लिक करने बाद क्या करना है, इसको 100 पे रख लेना है और इसके बाद फोटो को जूम कर लेना होगा और कुछ इस तरीके से यहाँ से आप लोग अपने फेस पर इसको अप्लाई करिएगा। इससे आप लोग का सैचुरेशन ज़्यादा सैचुरेशन कम हो जाएगा और फेस हल्का सा या स्किन हल्का सा वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेने बाद क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा और सेव करने बाद दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले फिर से यहाँ पर आ जाना है और बगल में पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड उस पर क्लिक करने बाद यहाँ पर नीचे आ जाना होगा विंटेज वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर विंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से 12 नंबर वाले ऑप्शन पे रख लेना होगा, ठीक है। एंड इस पर रखने बाद क्या करना है, इसका सैचुरेशन -100 तक रख लेना है, ठीक है। और स्टाइल स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा, ठीक है। और सेव करने बाद दोस्तों क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है और व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद विंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड उस पर क्लिक करने बाद क्या करना है, ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और ब्रश पर क्लिक करने बाद इसको हम लोग यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद क्या करना है, इसको 0 रख लेना होगा। कुछ इस तरीके से इसको स्किन पर से यानी कि फेस पर से रिमूव कर लेना है। आप लोग को कपड़े पर से इसको रिमूव नहीं करना है, ओनली स्किन पर से इसको रिमूव करना है, जो भी ब्लैक निशान है। तो रिमूव करने बाद क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा और सेव करने बाद क्या करना है, फिर से बगल में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा और नीचे यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आप लोग को यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और एक पीएनजी को ऐड कर लेना है यहाँ से। तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं और ऐड करने बाद बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से हम लोग ओवरले पर रख लेंगे और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। और सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इसके बाद व्यू एडिट पे और व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद यहाँ से डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है और इसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और ब्रश पे क्लिक करें, इसको 100 पे रख लेना है, इसको 100 पे हम लोग रख लेंगे यहाँ पर और कुछ इस तरीके से इसको आप लोग कपड़े पर इसको अप्लाई करिएगा, इससे कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कपड़े का कलर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां से हम लोग अपने कपड़े का कलर चेंज हो चुका है और इसके बाद यहां से इसको सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों सेव करने के बाद फिर से यहाँ पर बगल में पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद फिर से नीचे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उस पर क्लिक करने बाद क्या करना है, फिर से हम लोग को रेड कलर के पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐड करने बाद क्या करना है, बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इसको भी हम लोग डार्क सब्ट्रैक्ट पे रख लेंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। और सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद भी एडिट पर क्लिक कर देना है और भी एडिट पर क्लिक करने बाद डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ब्रश पे क्लिक करने बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग को 100 पे इसको रख लेना है और जो नीचे ब्लैक है उसको हम लोग कलर कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कलर करना है जिससे आप लोग का अच्छे तरीके से कलर हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ से कलर कर लेते हैं, और कलर करने बाद क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा। और सेव करने बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से नीचे यहाँ पे बगल में पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद नीचे यहाँ पे फिर से डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इस पर क्लिक करने बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम लोग को एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और इसका ऑपेसिटी फुल रख लेना है, और इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों जैसा कि सेव करने बाद क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद बी एडिट पे, और बी एडिट पे क्लिक करने बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड ब्रश पे क्लिक करने बाद क्या करना है, इसको हम लोग को यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे नहीं, हम लोग को इसको 100 पे रख लेना है, ठीक है। और क्या करना है, फ़ोटो को जूम करके अपने बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से इरेज करना है दोस्तों। तो फुल जूम करके इसके किनारे किनारे आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रिमूव करने बाद आप लोग का बैकग्राउंड का कलर चेंज भी हो जाएगा, और आप लोग का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर, और इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। और सेव करने बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से बगल में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा गाइस यहाँ पे ग्लैमर ग्लो पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे आप लोग को रख लेना है, और जो इसका हम लोग का सेचुरेशन है इसको कम कर लेंगे, ठीक है, और इसका वार्म भी कम कर लेना है। और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसका सेचुरेशन कम करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा। और सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद बी एडिट पर क्लिक कर देना है, और बी एडिट पर क्लिक करने बाद डबल यहाँ पे ग्लैमर ग्लो पे क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और इतने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ से इसको 100 पे रख लेना है, और फोटो को जूम कर लेना है, और जूम करने बाद कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखेंगे, स्क्रीन पर अप्लाई करने वाला आप लोग का फेस भी गोरा होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग का स्क्रीन हल्का सा स्मूथ भी हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग अपने स्क्रीन को स्मूथ कर सकते हैं, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते होंगे, वो भी सिंपल है और आसान भी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों सेव कर लेने के बाद फिर से यहाँ पर बगल में पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और इसको यहाँ से सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को जूम कर लेना है, और जहाँ भी ब्लैक हो वहाँ पर इसको रख लेना है। और सबसे पहले क्या करना है, इसका सेचुरेशन कम कर लेना है, और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और इतना करने के बाद क्या करना होगा, फिर से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हेयर पर रख लेंगे, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग को बढ़ा देना है, ठीक है। और सेचुरेशन को कम कर लेना है, कंट्रास्ट को भी, और इसको नीचे हैंड पर भी रख लेना है, इसको इसका सेचुरेशन कम और ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है दोस्तों। तो इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स सेव करने बाद फिर से बगल में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद यहाँ से हम लोग को क्या करना है, पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना होगा। और पोर्ट्रेट पर क्लिक करने बाद सबसे पहले स्मूथ वाले ऑप्शन पर रख लेना है, ठीक है। और इसका स्किन स्मूथ बढ़ा देंगे, और फेस स्पॉटलाइट भी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों सेव कर लेने के बाद फिर से यहाँ पे बगल में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद यहाँ से हम लोग को ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद चौथे नंबर ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने फ़ोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको लिप पर अप्लाई करना है, इससे आप लोग का लिप रेड कलर का हो जाएगा, और सेचुरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं।